नमस्कार, मैं ऋतिक कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। झारखंड में विधानसभा चुनाव का परिणाम आ चुका है और झारखंड के विधानसभा चुनाव के परिणाम को देखें तो 81 सीटों वाले विधानसभा में एनडीए को मात्र 24 सीट ही मिला है, तो वहीं इंडिया गठबंधन को 56 सीट मिला है। कई राजनीतिक विश्लेषक इस परिणाम को लेकर कह रहे हैं कि जो झारखंड सरकार के द्वारा, हेमंत सोरेन सरकार के द्वारा जो योजनाएं लागू की गई थी चुनाव से ठीक पहले, जैसे मैया समान योजना एवं बिजली बिल माफ किया गया था, एवं कई फैक्टर रहे जो बीजेपी को हराने में अहम भूमिका निभाई। लेकिन इसके अलावा एक फैक्टर है, एक युवा नेता जिसने लोकसभा चुनाव के बाद पार्टी बनाई और पार्टी बनाने के साथ ही बीजेपी को हराने में अहम भूमिका निभाई और कई सीटों पे उस नेता के पार्टी के कारण बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है। आइए हम बताते हैं कि उस नेता के बारे में और कुछ विधानसभा सीट को भी हमने चिन्हित किया है और वहां के रिजल्ट को देख के बताते हैं कि क्यों हम कह रहे हैं कि उस नेता के कारण बीजेपी को नुकसान का सामना करना पड़ा। तो वो नेता का नाम है जयराम महतो, जिनको जयराम महतो को उनके समर्थक जो है टाइगर जयराम महतो के नाम से बुलाते हैं। और क्या क्यों हम ये बात कह रहे हैं कि बीजेपी को हार का नुकसान करना का सामना करना पड़ा, आइए हम कुछ सीटों को आपको बताते हैं कि इन सीटों पे जेएलएम-केएम के कारण ही एनडीए गठबंधन को नुकसान का सामना करना पड़ा। पहला सीट है सिल्ली विधानसभा सीट। सिल्ली विधानसभा सीट पे लंबे समय से जो है आजसू के जो नेता हैं सुदेश महतो, वो लंबे समय से विधायक थे। 2005 में उन्होंने जीत दर्ज की, 2009 में उन्होंने जीत दर्ज की और 2019 में भी उन्होंने जीत दर्ज की थी। लेकिन इस सीट पे जेएलकेएम के जो प्रत्याशी थे देवेंद्रनाथ महतो, उनके कारण सुदेश महतो को हार का सामना करना पड़ा। इस सिल्ली सीट विधानसभा सीट पे जेएमएम यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो प्रत्याशी है अमित महतो, उन्हें 73,169 वोट मिले, तो वहीं आजसू के सुदेश महतो को 49,302 वोट मिले और जेएलकेएम के देवेंद्रनाथ महतो को 41,725 वोट मिले। तो वहीं दूसरे विधानसभा की बात करें तो रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र, जहां पे कांग्रेस के प्रत्याशी थी ममता देवी, उन्हें 89,818 वोट मिले, तो वहीं आजसू की सुनीता देवी को 83,028 वोट मिले, तो वहीं जेएलकेएम के परमेश्वर कुमार को 70,979 वोट मिले। यहाँ पे जो है आजसू की प्रत्याशी सुनीता देवी मात्र 6,000 वोट से हारी, तो वहीं जेएलकेएम के प्रत्याशी को 70,000 वोट मिले। तो यहाँ पर भी जेएलकेएम के प्रत्याशी जो है एनडीए गठबंधन के हार का कारण बने। फिर अगली सीट की बात करें तो बेरमो विधानसभा की सीट, जहाँ से कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे अनूप सिंह, उन्हें 90,286 वोट मिलते हैं, तो वहीं जेएलकेएम के जयराम महतो, जो जेएलकेएम के अध्यक्ष है जयराम महतो, उन्हें 60,871 वोट मिले। तो वही बीजेपी के जो प्रत्याशी थे यहाँ पे तीसरे स्थान पे घिसक गए और उन्हें मात्र 58,352 वोट मिलते हैं। फिर अगली विधानसभा सीट की बात करें तो वह है सिंदरी विधानसभा की सीट, जहाँ पे सीपीआईएमएल के प्रत्याशी चंद्रदेव महतो को 105,136 वोट मिलते हैं, तो वहीं बीजेपी के तारा देवी को 101,668 वोट मिलते हैं। तो वहीं जेएलकेएम के प्रत्याशी उषा देवी को 42,664 वोट मिलते हैं। यहाँ पे बीजेपी मात्र 4,000 वोट से हारी है, तो वहीं जेएलकेएम के प्रत्याशी उषा देवी को 42,000 वोट मिला है, ये भी यहाँ पे एनडीए गठबंधन के हार का एक बड़ा कारण बनी। फिर हम आते हैं चंद्रकियाड़ी विधानसभा सीट पे, यहाँ पे जेएमएम के उमाकांत रजक को 90,027 वोट मिले, तो वहीं जेएलकेएम के अर्जुन रजवार को 56,294 वोट मिले, तो वहीं बीजेपी के अमर बाउरी यहाँ तीसरे स्थान पर घिसक गए और उन्हें भी 56,000 कुछ वोट मिले हैं। फिर अगले विधानसभा की बात करें तो हम आ गए खरसावा विधानसभा सीट, जहां पे झामुमो के दशरथ गगराई को 85,772 वोट मिले, भाजपा के सोना राम बोहरा को 53,157 वोट मिले और जेएलकेएम के जो प्रत्याशी थे पांडुराम हेब्रू, उन्हें 33,841 वोट मिले। तो यहाँ पे भी जो बीजेपी के प्रत्याशी थे सोनाराम बोहरा, उनके हार के कारण जो हार का कारण बने वो जेएलकेएम के प्रत्याशी बने। फिर अगली सीट की बात करें तो वो है गोमिया विधानसभा की सीट। गोमिया विधानसभा सीट पे झामुमो के प्रत्याशी थे योगेंद्र प्रसाद, उन्हें 95,000 वोट मिलते हैं। जेएलकेएम के प्रत्याशी जो है पूजा कुमारी, उन्हें 59,070 वोट मिलते हैं और आजसू के जो लंबोदर महतो थे उन्हें 54,508 वोट मिले। वहीं अगले विधानसभा की हम बात करें तो वहाँ ये विधानसभा सीट है ईंचागढ़। ईंचागढ़ सीट पे झामुमो के सविता महतो को 70,000 वोट मिला, आजसू के हरिलाल महतो को 51,029 वोट, तो वहीं जेएलकेएम के तरुण महतो को 41,000। यहाँ पे लगभग जेएलकेएम ही एनडीए गठबंधन के हार का कारण बनी।
फिर हम आते हैं तमार विधानसभा सीट पे। तमार विधानसभा सीट पे झामुमो के विकास कुमार मुंडा ने जीत दर्ज की। विकास कुमार मुंडा ने जदयू के राजा पीटर को हराया। यहाँ पे जदयू के राजा पीटर को 41,409 वोट मिले और जेएलकेएम के दमयंती मुंडा को 26,562 वोट मिले। यहाँ पे भी एनडीए के हार का कारण जो बनी वो जेएलकेएम के प्रत्याशी ही बने। तमार विधानसभा सीट बहुत चर्चित सीट है झारखंड की। इस सीट के कारण एक बार जो झारखंड के मुख्यमंत्री थे शिबू सोरेन, उनको इस्तीफा देना पड़ा था। 2009 में यहाँ पे उपचुनाव हो रहे थे और चुनाव में राजा पीटर भी खड़े थे और शिबू सोरेन भी चुनाव लड़ रहे थे और इस चुनाव में राजा पीटर ने उस समय के सीएम को हरा कर जीत दर्ज कर ली थी, जिसके बाद वहाँ के जो सीएम थे शिबू सोरेन, उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। फिर हम अगले सीट की बात करेंगे तो बोकारो विधानसभा की सीट है, जहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रत्याशी श्वेता सिंह को 1,33,438 वोट मिलते हैं तो वहीं बीजेपी के बिरंची नारायण को 1,26,231 वोट मिला और जेकेएलएम के सरोज कुमारी को 39,621 वोट मिला। यहाँ पे भी जो हार जीत का फासला था बीजेपी और कांग्रेस में वो लगभग 7,000 का वोट का था और जेकेएलएम को 39,000 वोट मिला, तो यहाँ पे भी बीजेपी के हार का कारण जो है जेकेएलएम ही बना। फिर हम आए कांके विधानसभा सीट पे, तो कांके विधानसभा सीट पे जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी थे सुरेश कुमार बैठा, उन्हें 1,33,499 वोट मिले तो वहीं बीजेपी के डॉक्टर जीतू चरण राम को 1,32,531 वोट मिले और जेकेएलएम के जो प्रत्याशी थे उन्हें 25,965 वोट मिले। यहाँ पे बीजेपी और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के बीच में जो वोटों का फासला था वो मात्र 968 वोटों का था, लेकिन यहाँ पे जो है जेकेएलएम के प्रत्याशी ने 25,000 से ज्यादा वोट काट लिए, इसके कारण जो है एनडीए को नुकसान का सामना करना पड़ा। कांके की जो विधानसभा सीट है वो बीजेपी की गढ़ थी, यहाँ से बीजेपी 2005, 2009, 2014 और 2019 में जीत दर्ज की थी, लेकिन जेकेएलएम के कारण बीजेपी का जो है कांके विधानसभा सीट को गंवाना पड़ा और उसका गढ़ जो है ध्वस्त हो गया। अगले विधानसभा टुंडी विधानसभा की बात करें तो टुंडी में झामुमो के मथुरा प्रसाद महतो ने 95,527 वोट लाया तो वहीं भाजपा के विकास कुमार महतो को 69,924 वोट मिला और जेकेएलएम के मोतीलाल महतो को 44,464 वोट मिला, तो यहां पे भी जेकेएलएम जो है हार का कारण बनी। जयराम महतो की बात करें तो जयराम महतो जो है पिछले 3-4 सालों में ही चर्चा में आए। पहले उन्होंने जो है झारखंड के जो स्थानीय मुद्दे है कि झारखंड में स्थानीय लोगों को रोजगार मिले, झारखंड के जो मुद्दे थे छोटे मोटे मुद्दे उस सबको उठाया। उसके बाद 2023 में जो उन्होंने जेबीकेएसएस का गठन किया, जेबीकेएसएस का फुल फॉर्म होता है झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति, और 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ इसमें जयराम महतो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर लड़े और 3,00,000 से ज्यादा वोट लाए। लेकिन उस समय सबको लगा था कि जयराम विधानसभा चुनाव जो अगले साल झारखंड में होने वाले हैं, लोकसभा चुनाव के बाद कई लोगों को ये लगा कि झारखंड के विधानसभा चुनाव में जयराम का कोई आधार नहीं रहेगा, लेकिन जब चुनाव के परिणाम आए तो झारखंड में बीजेपी की हार का एक प्रमुख कारण बनी जयराम महतो की पार्टी और जयराम महतो की पार्टी को इस चुनाव में लगभग 6% से ऊपर का वोट शेयर मिला और वहीं सुदेश महतो की पार्टी जो है 3-3.5% तक ही सिमट गई और उन्हें बस एक सीट मिला। सुदेश महतो की पार्टी को जो है सो सिर्फ मांडू सीट पे जीत मिली और वो भी मात्र 231 वोटों से, ज्यादा वोट से भी नहीं 231 वोटों से मिली। सुदेश महतो की पार्टी को जो है इस बार एनडीए गठबंधन की तरफ से 10 सीट दिया गया था और 10 सीट में जो है सुदेश महतो की पार्टी जो है आज मात्र एक सीट पे ही जीत दर्ज कर पाई। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 4 नेशन।